हेलो व्यूअर, आज हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने वीडियो की क्वालिटी सेट कर सकते हैं और स्लो इंटरनेट पे भी आप अपने वीडियो को रन कर सकते हैं। उसके लिए आप सेटिंग में चले जाइए, यहाँ पर आप क्वालिटी में जाइए। क्वालिटी में देखिए हाई पिक्चर क्वालिटी सेट है और ज़्यादातर इसमें क्वालिटी में ऑटो रिकमेंडेड रहता है। ऑटो विल अप्लाई टू योर करंट वीडियो, तो ऑटो जो होता है वो अपने हिसाब से आप इंटरनेट के हिसाब से अपनी सेटिंग कर लेता है। तो यहाँ पर इंटरनेट देखिए सेटिंग 360p है। अगर आप डेटा सेवर पे कर देते हैं तो आपका डिफरेंट क्वालिटी सेट हो जाती है और स्लो इंटरनेट पे भी वो चलने लगता है। अभी क्वालिटी देखिए 360p सेट है। अब हाई पिक्चर क्वालिटी जब सेट थी तो आपकी यहाँ पर ये देखिए हाई पिक्चर क्वालिटी सेट थी तो आपकी 360p थी। अब एडवांस में हम जाएंगे और यहाँ पे अगर 720 आप कर दीजिएगा तो आपकी क्वालिटी जो है बढ़ जाएगी। और अगर आप एडवांस में जा कर के क्वालिटी के लो उस पर कर दीजिएगा तो आपका लो पिक्सल सेट रेजोल्यूशन सेट हो जाएगा, जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा अच्छे से चलेगा अगर आपका इंटरनेट स्लो है। तो डिफ़ॉल्ट इसने क्या सेटिंग किया था, 360 करा था। तो यहाँ पे क्वालिटी आप लो कर सकते हैं या हाई कर सकते हैं। तो एडवांस में जा कर के अब हम क्वालिटी, दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन टू हाउ टू सेट द क्वालिटी ऑफ द वीडियो टू सी द इंफॉर्मेशन प्रॉपरली ऑन द स्लो इंटरनेट, फॉर दैट यू हैव टू डू द सेटिंग इन योर वीडियो थ्रू क्वालिटी। यहाँ पे प्लेबैक स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं, नॉर्मल है। यहाँ पे प्लेबैक स्पीड जाके देख लीजिए, ये नॉर्मल है। आप इसको स्लो भी कर सकते हैं, इसको हाई भी कर सकते हैं। तो प्लेबैक स्पीड भी आप सेट कर सकते हैं। बस जब हम एडवांस सेटिंग सेट करते हैं क्वालिटी में, तो एडवांस सेटिंग में ये देखिए, दिस सेक्शन ओनली अप्लाइज टू द करंट वीडियो, फॉर ऑल वीडियोज गो टू सेटिंग वीडियो क्वालिटी। तो सेटिंग वीडियो क्वालिटी में जब जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क दिखाएगा। तो यहाँ पे ऑटो रिकमेंडेड, हायर पिक्चर क्वालिटी, डेटा सेवर क्वालिटी, दिस चेंज अफेक्ट्स योर डेटा सेविंग सेटिंग, और वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई हो जाएगा। हायर क्वालिटी के लिए आपको देखना पड़ेगा कि डेटा सेवर क्वालिटी क्या है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी को सेटिंग कर सकते हैं। तो ऑटो रिकमेंडेड ज़्यादातर रहता है, जिससे कि जिसका इंटरनेट जैसा हो उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी सेट हो जाए। तो इस तरह से आपका हर वीडियो के लिए यहाँ पर सेटिंग हो जाएगी। सेलेक्ट योर डिफ़ॉल्ट स्ट्रीमिंग क्वालिटी फॉर ऑल वीडियो, यू कैन चेंज स्ट्रीमिंग क्वालिटी इन प्लेयर ऑप्शन फॉर सिंगल वीडियो। तो सिंगल वीडियो के लिए तो आप कभी भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप सारे वीडियो के लिए अगर डेटा सेवर करते हैं तो लो पिक्चर क्वालिटी पे आपका वीडियो स्लो इंटरनेट पे अच्छा चलेगा। और हाई पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा, लेकिन डेटा सेवर पे आपका चेंज अफेक्ट योर डेटा सेविंग सेटिंग। तो यहाँ पर लो इंटरनेट पे भी आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन अभी हम इसको डिफ़ॉल्ट ऑटो पे कर दे रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल for the setting of the particular video or different type or all type of video। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे वीडियो पर सेटिंग कैसे होती है और पर्टिकुलर वीडियो पर कैसे सेटिंग होती है। तो आप अपने वीडियो को अगर इंटरनेट स्लो है तो डेटा सेवर पे क्वालिटी पे चलाइए, और हाई पिक्चर क्वालिटी आप सेट कर लीजिए तो आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी आएगी, लेकिन डेटा स्लो होने पे भी वीडियो रन होगा। और अगर आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो आई बटन दबाइएगा तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो दिखेगा। तो दिस इज़ ऑल टू द व्यूअर। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। थैंक यू।